बिग बॉस शो में भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की एंट्री हो चुकी है। वे अब तक सीक्रेट रूम में मौजूद थे और घर वालों से अलग थे, लेकिन अब वे बिग बॉस के घर में आधिकारिक तौर पर आ चुके हैं। खेसारी के एंट्री से पहले ही सलमान खान के साथ बिग बॉस के सेट पर बाला के स्टार कास्ट मौजूद थी। आयुष्मान खुराना, भूमि पेडनेकर और यामी गौतम ने खेसारी से सवाल किए। दरअसल बाला टीम को बिग बॉस का एक्सपर्ट बनाया गया था और वे घर में जाने से पहले उनसे सवाल कर रहे थे। खेसारी ने बताया कि उन्होंने किस तरह से दिल्ली में लिट्टी चोखा बेचकर दिन काटे हैं। खेसारी ने बताया कि शादी होने के बाद भी दिल्ली में अपनी पत्नी के साथ लिट्टी चोखा का ठेला लगाकर गुजर बसर करते थे। इसके अलावा वे गाने भी गाया करते थे। सलमान ने इसके बाद खेसारी को गले लगाया। इसके बाद सलमान और खेसारी ने लिट्टी चोखा खाया। इसी दौरान सवाल जवाब के टास्क में खेसारी से पूछा गया कि क्या उन्होंने कभी अपनी कोई स्टार के साथ दोस्ती से ज़्यादा रिश्ता रखा है। इस पर खेसारी ने कहा कि उन्होंने कुछ एक्ट्रेस से राखी भी बनवाई है। गौरतलब है कि आयुष्मान खुराना, यामी गौतम और भूमि पेडनेकर की फिल्म बाला 7 मार्च को रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म के साथ ही आयुष्मान और यामी एक बार फिर रुपहले पर्दे पर साथ में दिखेंगे। इस फिल्म से पहले दोनों सितारे विकी डोनर में नजर आए थे। आयुष्मान खुराना की वो पहली फिल्म थी। वहीं भूमि और आयुष्मान ने साथ में दम लगा के हाइसा में भी काम किया है। माना जा रहा है कि इस फिल्म के साथ यामी, आयुष्मान और भूमि एक बार फिर अपनी सफलता दोहरा सकते हैं।